स्योहारा में नगरपालिका से चंद कदमों की दूरी पर और नगरपालिका के मैरिज हॉल में गुलदार के पंजों के निशान दिखाई दिए। साथ ही कुत्तों के कंकाल भी वहां पर पड़े हुए हैं। मैरिज हॉल के बराबर में बाग में मादा गुलदार बच्चों के साथ दिखाई दी तो बाग के चौकीदारों ने पालिका अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। मौके पर पालिका अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पहुंचे और वन विभाग को इसकी जानकारी दी और शहर वासियों से अपील करते हुए कहा। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमें कुछ गांव वासी आए थे जो बागों में काम करते हैं, वो भाई जी पगड़ी बांधे हुए और चचा, इन्होंने बताया तीन गुलदार के बच्चे और एक गुलदार यहाँ है और वो लोग वहाँ, हम बहुत दूर तक देख के आए, वहाँ बैठे हुए थे, ये भयभीत हो गए और जैसे ही हम लोग आए तो वो ईख जो है सामने उनमें चले गए। तो इसकी सूचना हमने प्रशासन को भी दे दी है, वन विभाग को, सबको हमने सूचित करा दिया और मीडिया कर्मियों को भी, आप लोगों को। अच्छा, वन विभाग को कितनी देर पहले सूचना दी? अभी 10 मिनट पहले दी है। अभी तक पहुंचा कोई है यहाँ? अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी सूचना दी है तो टाइम भी लगता है क्योंकि रेंजर साहब शायद जो कल दो लेपर्ड पकड़े गए थे उनको लेके गोरखपुर जू छोड़ने गए हैं, वो अपनी टीम के किसी सदस्य को या जिसको भी वो भेजेंगे। बातों के लिए कहा गया आपके द्वारा? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, अपने बकरी जानवर जितने हैं उनका ख्याल रखें और अंधेरे में बिल्कुल ना घूमें और रात को तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह की घटनाएं अप्रिय घटनाएं आजकल लगातार पूरे जिले में हो रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों से ये अपील है कि अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, टॉर्च या लाठी डंडा लेके निकलें और बोलते चलते निकलें, ऐसे बिल्कुल भी अननेसेसरी बाग में या कहीं ना बैठें वक्त बे वक्त जिससे कोई घटना हो, नुकसान हो। और बच्चों से खास तौर की अपील कि इसको मजाक ना समझें, बाघ से जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं वो अपने घर जाएं और कोई भी घटना हो सकती है उससे बचें। मांग ये कर रहे हैं कि पिंजरा लगा दिया जाए इससे पहले कि कोई घटना हो। वन विभाग से भी आएगी टीम तो बात करेंगे कि कोई भी इस तरह की घटना ना घटे, उसके लिए पिंजरा विंजरा और प्रॉपर इंतजाम वन विभाग करे ताकि जिससे लोगों की जान माल आदि का नुकसान ना हो।